Hello everyone, you're watching Fit Food Flavors aur main hu dietitian Manju Malik. आज के अपने एपिसोड में हम बात करेंगे फ्लैक्स सीड्स वर्सेस चिया सीड्स. तो फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं वो विंटर की स्पेशलिटी होते हैं, चिया सीड्स समर की स्पेशलिटी होते हैं. ऐसे में कई लोगों को कंफ्यूजन होती है जो अभी तक चिया सीड कंज्यूम कर रहे थे कि क्या वो उसे कंटिन्यू करें या फ्लैक्स सीड कंज्यूम करें, क्या इनमें डिफरेंस होता है, कौन सा बेटर होता है वेट लॉस के लिए, इसके न्यूट्रिशन अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो क्या डिफरेंस होता है, उसी पर है ये पूरा वीडियो. तो फ्लैक्स सीड्स को हिंदी में अलसी भी कहा जाता है और ये इंडियन ओरिजिन के हैं. चिया सीड्स जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के नहीं हैं, वो मैक्सिकन ओरिजिन के हैं और इनका जो हिंदी नाम है वो भी चिया सीड्स है, इनका कोई हिंदी नाम नहीं है. कई लोग इन्हें कंफ्यूज करते हैं सब्जा के साथ, बट दे आर नॉट सब्जा. उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ. तो चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स दोनों दिखने में भी काफ़ी अलग होते हैं. चिया सीड्स जो होते हैं ओवल शेप के होते हैं, वो ग्रे कलर में, ब्लैक कलर में, ब्राउन कलर में आते हैं. और जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं वो चिपटे से होते हैं, आप सेसमे सीड्स को थोड़ा सा बड़ा कर दो वैसे होते हैं, और ब्राउन होते हैं, डार्क ब्राउन कलर के या लाइट ब्राउन या येलो कलर के, जिन्हें गोल्डन फ्लैक्स सीड या लिन सीड भी कहा जाता है. इन दोनों की अगर मैं न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को कंपेयर करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि चिया सीड्स में कैलोरी जो होती हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लैक्स सीड्स, लेकिन कार्ब्स जो होते हैं वो चिया सीड के अंदर होते हैं ज़्यादा, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो हाई इन फाइबर. फ्लैक्स सीड के अंदर भी फाइबर ज़्यादा होता है. अगर हम टोटल फाइबर की बात करें तो फ्लैक्स सीड में ज़्यादा फाइबर है, क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक सारा ही जो कार्ब्स हैं वो फाइबर से आ रहे हैं. फैट फ्लैक्स सीड्स में ज़्यादा है एंड प्रोटीन जो है वो थोड़ा सा फ्लैक्स सीड में अगेन ज़्यादा है. ओमेगा 3 जो दोनों के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और जब भी इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात होती है तो ओमेगा 3 को ज़रूर डिस्कस किया जाता है, वो फ्लैक्स सीड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है एज़ कम्पेयर टू चिया सीड. तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी इम्यूनिटी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं डाइट के अंदर इंक्लूड करना. आप नीचे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के प्रोफाइल को भी देख सकते हैं. अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मैग्नीशियम, थियामाइन और मैग्नीशियम जो है वो फ्लैक्स सीड्स में ज़्यादा है. कॉपर ज़्यादा है फ्लैक्स सीड्स के अंदर, जिंक ज़्यादा है फ्लैक्स सीड्स के अंदर, पोटेशियम ज़्यादा है फ्लैक्स सीड्स में, फॉस्फोरस जो है, सिलेनियम, आयरन और कैल्शियम ज़्यादा है चिया सीड्स के अंदर. तो वैसे तो ये प्रोफाइल बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करता है, कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस है. सो ऐसे में आपकी प्रायोरिटी बताएगी कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा. अगर आपको फाइबर ज़्यादा चाहिए तो फ्लैक्स सीड और चिया सीड्स दोनों ही फाइबर में हाई होते हैं. ओमेगा 3 फ्लैक्स सीड में हाई होता है. फ्लैक्स सीड यानी अलसी जो होता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का रिचेस्ट सोर्स होता है. आपने देखा होगा लोग फिश ऑयल्स की टैबलेट लेते हैं या कैप्सूल्स लेते हैं, तो उनके अंदर यही ओमेगा 3 होता है. इसी ओमेगा 3 को पाने के लिए वो लोग वो वाले सप्लीमेंट्स लेते हैं. तो आप नेचुरली अगर आप अपनी डाइट के अंदर उस इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को शामिल करना चाहते हैं तो फ्लैक्स सीड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा. अगर आप चाहते हैं कि आयरन आप ज़्यादा अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, कैल्शियम आपको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो आप चिया सीड इंक्लूड कर सकते हैं. एंड एज आई सेड कि दोनों के अपने सीजन्स होते हैं, तो आप अगर समर्स में इंक्लूड करना चाहते हैं सीड्स को तो चिया सीड्स बेस्ट टाइम रहेगा आपको डाइट में इंक्लूड करने का, क्योंकि अलसी जो होती है, फ्लैक्स सीड जो होती है, उसकी तासीर गर्म होती है. तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे समर्स में इंक्लूड नहीं कर सकते. विंटर्स में इन्हें पंजीरी के अंदर, लड्डुओं के अंदर, आप बार्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. आप इनका पाउडर भी बना सकते हैं. नाउ अभी इन्हें कैसे डाइट में इंक्लूड करें, चिया सीड्स का जो बेस्ट तरीका है वो है कि इन्हें पानी में आप सोक करें एंड देन यू कैन कंज्यूम देम. आप इन्हें पीस कर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइम मेथड है वो यही है कि आपको सोक करना है. फ्लैक्स सीड्स जो हैं उन्हें आप रोस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होंगे आपके लिए, क्योंकि इनके अंदर जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रोस्टिंग से ख़त्म हो जाते हैं. साथ ही इनका फाइबर जो होता है वो हल्का सा ओपन अप हो जाता है. आपने देखा होगा जब आप फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट करते हैं, धीमी आंच पे रोस्ट करना है, तो ये क्रैकल होते हैं, तो इनका जो अंदर का फाइबर होता है वो ओपन हो जाता है, ये हल्के से स्वेल अप हो जाते हैं, तो इनका अब्सॉर्प्शन ज़्यादा बेटर होता है. तो आप इन्हें हल्का सा रोस्ट करके, इनका पाउडर बना के इन्हें डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. इन्हें आप सोक करके भी कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट मेथड. अगर आप इन्हें सोक करके एज इट इज़ कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी से ऐसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, उनका अब्जॉर्प्शन इतना अच्छा नहीं होगा.
ना अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो चिया सीड्स जो होते हैं उनका टेस्ट जो होता है इट्स टेस्टलेस, तो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं उनका टेस्ट होता है, काफ़ी नटी नटी सा फ्लेवर होता है इनके अंदर जैसे बाकी नट्स एंड सीड्स में से आता है, एंड इट्स वेरी गुड। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो आमतौर पर फ्लैक्स सीड आपको सस्ते मिलेंगे बिकॉज दे आर लोकली अवेलेबल, दे आर फ्रॉम इंडिया ओनली, बट चिया सीड्स जो होंगे वो आपको एक्सपेंसिव मिलेंगे। अगर मैं वेट लॉस की बात करूं तो दोनों ही सीड्स को प्रायोरिटी दी जाती है, हेल्थ इंडस्ट्री में दोनों ही चीज़ों का हाइप बनाया हुआ है कि दोनों चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, बट ये तभी हेल्प करेंगी जब आपकी बाकी डाइट हेल्दी है, आप वर्कआउट करते हैं, आप एक्टिव हैं। इफ़ यू आर नॉट एक्टिव एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड यू आर ईटिंग जंक होल डे और सिर्फ आप फ्लैक्स सीड और चिया सीड्स पे अपने वेट लॉस की जर्नी को बेस करेंगे देन दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एक फ्लैक्स सीड का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको वेट लॉस के साथ हार्मोनल बैलेंस करना है तो आप फ्लैक्स सीड को डाइट के अंदर इंक्लूड करें। फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं दे हैव लिग्निन्स इन देम, लिग्निन्स जो होते हैं वो फाइटो एस्ट्रोजन्स होते हैं जो फीमेल्स के अंदर मिमिक करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन को और उसे बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। वो एंटी एस्ट्रोजन भी होते हैं, एस्ट्रोजन भी होते हैं, यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन ज़्यादा है तो कट डाउन करने में हेल्प करेगा, अगर कम है तो उसे सपोर्ट करके इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। सो फीमेल्स हु आर ट्राइंग टू अचीव हार्मोनल बैलेंस वो फ्लैक्स सीड को इंक्लूड कर सकती हैं डाइट के अंदर, और फ्लैक्स सीड को इंक्लूड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो सीड साइकिल फॉलो करें अगर स्पेशली हार्मोनल बैलेंस के लिए उन्हें यूज़ करने हैं। सो फॉर हार्मोनल बैलेंस ओमेगा 3, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम आप फ्लैक्स सीड को डाइट के अंदर रखें। दोनों ही हेल्दी हैं लेकिन दोनों को ही मॉडरेशन में आप खा सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। मिनिमम जो सेफेस्ट अमाउंट है वो है 1 टीस्पून, यू कैन गो अप टू 1 टेबलस्पून का मॉडरेशन में ही कंज्यूम करें तो बेटर है। सो ऑन एन एवरेज आप इसे 1 to 2 टीस्पून तक खाएंगे and you can enjoy the benefits of them. आप इन्हें breakfast में include कर सकते हैं because breakfast जो होता है वो best time होता है इन seeds को diet के अंदर include करने का. So आप चाहते हैं इनके nutrients अच्छी तरह आपकी body में absorb हों तो add them in your breakfast. दोनों ही चीज़ें स्ट्रेस को रिड्यूस करने में भी हेल्प करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करती हैं, आपकी हार्ट के हेल्थ के लिए, ब्लड शुगर के लिए, HB के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं दोनों ही सीड्स। काफ़ी वर्सेटाइल तरीके से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, दे हैव गुड फाइबर, गुड क्वालिटी प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स इन देम। सो बोथ चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स सपोर्ट योर डाइजेशन, आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, वेट लॉस को सपोर्ट करते हैं, आपकी मसल बिल्डिंग को भी हेल्प करते हैं। इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी आप सीजन के अकॉर्डिंगली आप इन्हें डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, इनके बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। एज आई सेड, हार्मोनल बैलेंस या ओमेगा 3 आपकी प्रायोरिटी है, आप चाहते हैं कि ओमेगा 3 आपका अमाउंट इंक्रीज हो डाइट के अंदर, हार्मोनल बैलेंस तो फ्लैक्स सीड आपके लिए अच्छे रहेंगे। अगर आपको आयरन और कैल्शियम थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं चिया सीड्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंस एंड कंपेरिजन बिटवीन फ्लैक्स सीड्स एंड चिया सीड्स। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट time, you take care. Bye-bye.